हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आया हूँ। इस वक्त फिलहाल मैं बोकारो में हूँ। तो भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा, बोकारो में एक मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है जगन्नाथ टेम्पल, जो कि हमारे पीछे में आप देख सकते हो वहाँ पे। तो फिलहाल मैं गेट के बाहर में हूँ। तो अभी टाइम हो रहे हैं 3:30 और आधा घंटा के बाद मतलब 4 बजे वहाँ पे मंदिर का गेट खुलेगा। तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कि कब तक वो मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा और मैं उसके अंदर जाऊंगा, सारे मंदिर को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि किस तरह का ये जगन्नाथ मंदिर है। मेरे को देखते ही इधर से ही लग रहा है कि काफ़ी भयानक होगा भाई। अभी खूबसूरत मंदिर है, ये देख सकते हो आप लोग। और उस जगह पे मेरे को जाना है, तभी गेट बंद पड़ा हुआ। तो फिलहाल मैं बाहर में हूँ। भाई साहब, ये ब्लॉग पर आप लोग लास्ट तक बने रहो मतलब। तो गाइस देख सकते हो, तो अभी गेट खुल चुका है और मेरे को अभी जूता भी खोलना है, तक यहाँ पे खोलना है। और यहाँ पे सारे लोग अभी अंदर जा रहे हैं, सभी लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे, तब से मतलब मंदिर का ही वेट कर रहे थे कि कब तक मंदिर का गेट खुलता है। तो फिलहाल मेरे को यहाँ पे जूता खोल के रखेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे हम लोग। मैं मंदिर के मेन गेट के अंदर आ चुका हूँ और मेरे साथ आया है यहाँ पे डीजे सचिव बोकारो का एक यूट्यूब चैनल है। अपना चैनल का नाम थोड़ा बता दो। डीजे सचिव बोकारो नंबर 1, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और भाई साहब, एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यूट्यूब से थंबनेल बनाते हो तो कॉन्टैक्ट में मेरे से करना, उसके बाद मैं इसका नंबर दे दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, अभी मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और इधर देखो भाई, काफ़ी प्यारा मंदिर है यार, देखो काफ़ी भयानक लग रहा है। और मैं अभी अंदर जाऊँगा, सारे चीज़ को एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा भाई। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग पे बने रहो। तो भाई साहब, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैं इस जगह पर मैं हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ बोकारो, है ना। तो भाई साहब, मैं बोकारो में डीजे सस्ती के यहाँ पे रुका हुआ था, क्योंकि ये मेरे मामा जी लगेंगे। एंड अभी मैं एक तालाब दिखाने वाला हूँ। तो तालाब तो भाई साहब, ये रहा तालाब। और यार क्या बताएं, काफ़ी प्यारा इधर तालाब, मतलब छोटा सा लेक है भाई, तालाब थोड़ा सा सूखा हुआ है। तो ये चारों तरफ अब ऐसे करके जाओगे ना भाई, तो बैठने का जगह भी बनाया गया है। घूम के ये तालाब का नज़ारा देख सकते हो। तालाब में मछलियाँ भी है, देखो भाई साहब, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ से मेरे को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मछली, बड़ा बड़ा मछली भी है। तो थोड़ा सा तालाब गर्मी के कारण सूख गया है। और रहा जगन्नाथ टेम्पल, जो कि काफ़ी प्यारा मंदिर है, और फिलहाल मैं उसके अंदर भी जाऊँगा। तो इधर का गार्डन देखो। और शशि भाई, एक्चुअली भाई वो मेरे मामा जी है, लेकिन मैं उसको भैया बोल रहा हूँ। एंड किससे बतिया रहा है इतना, किससे बतिया रहा है? दोस्त फोन किया। अरे दोस्त फोन किया, समझ रहे हैं। तो काफ़ी प्यारा गार्डन है भाई। तो भाई साहब, ये जो लम्बू जी हैं यहाँ पे देखभाल करते हैं और ये तालाब को भी देखभाल करते हैं। तो फिलहाल इस तालाब का भी सूखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा बारिश का दिन होता है ना भाई, तो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। लेकिन काफ़ी प्यारा जगह है ये। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर, आप लोगों को तालाब का सीन इधर दिखाई दिया हूँ, तो चलो मंदिर की ओर चलते हैं। तो यार काफ़ी प्यारा ये, मतलब ये ग्रास, इंग्लिश से कहा जाता है इसको ग्रास और हिंदी से कहा जाता है घास, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं एक बार सिनेमेटिक करके दिखाता हूँ भाई। अभी तो फिलहाल मैं तालाब का सीन दिखा दिया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर पे। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम, मैं और शशि। तो शशि भाई बहुत ही पीछे रहता है, इतना पीछे कहाँ रहता है तुम बताओ? पीछे रहते हैं। अरे भाई साहब, मेरे साथ जो भी आता है ना भाई, वो सारे लोग पीछे पीछे ही आते हैं, पता नहीं, मन नहीं लगता कैमरा में आने में। अच्छा लगता है भाई साहब, तो कैमरा में आने में इन लोगों को शर्म लगता है। तो भाई साहब बताना चाहूँगा, मंदिर एंटर करने से पहले यहाँ पे अब पैर धोने का कुछ दिया हुआ है और पैर धोने का उस साइड है। अच्छा, सॉरी, ये पीने का पानी है और इधर पैर धोने का पानी। तो ये अंकल अभी पैर धोएंगे, मैं भी धोऊंगा, तो धो के अंदर जाऊंगा भाई। काल में पैर धो लिया हूँ और ये रहा गेट, इस गेट के अंदर मैं जाने वाला हूँ फिलहाल।
तो अब मैं आ गया हूँ एक छोटा सा गार्डन पे जो कि मंदिर का नीचे में ही है। आंटी लोग चाची लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हो गाइस काफी प्यारा प्यारा इधर पेड़ लगा हुआ है, छोटा सा पेड़। लोगों का कलर देखो भाई। तो गाइस मेरे पीछे एक सूर्य मंदिर है। अभी फिलहाल मैं मंदिर के जस्ट बाहर में हूँ। इस मंदिर के बारे में मेरे को ज्यादा चीज नॉलेज नहीं है, मेरे को जितना भी मालूम है वो सारी चीज मैं बताऊंगा। मंदिर का बात करें तो भाई साहब ये मंदिर काफी प्यारा मंदिर है। मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ ना, तो मेरे को लग रहा है ना कि मैं यहीं पे रह जाऊँ रात भर। भाई साहब घर तो जाना जरूरी है, तो अभी फिलहाल मैं मंदिर को सारी चीज दिखा दूंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। तो भाई साहब ये देख लो सूर्य मंदिर। तो गाइस मैं अंदर तो अभी आया और टीका वगैरह लगा लिया हूँ मंदिर के अंदर पे। तो वहाँ पे जगन्नाथ बाबा जी का मंदिर है और फिलहाल वहाँ पे लिखा हुआ था कि कैंप अब पूरा करना, वहाँ पे अलाव नहीं था, तो फिलहाल मैं नहीं किया वहाँ पे। एक मंदिर और है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। तो भाई साहब देख लो यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। यहाँ पे गेट है जो कि अभी मैं इधर से ही एंटर हुआ था। तो ये शिवलिंग है और ये बगल में नंदी जी। तो काफ़ी प्यारा प्लेस है भाई, आप लोग देख सकते हो ये जगन्नाथ टेम्पल। तो इस वक्त मैं मंदिर के जस्ट पीछे में हूँ। हमारे मामा जी यहाँ पे किसी से लगे हुए हैं भाई। और ये भाई साहब यहाँ पे एक मैरिज हॉल है, बगल में मैरिज हॉल है। और ये मंदिर क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला मंदिर है भाई, और मैं मंदिर के चारों ओर अभी घूम रहा हूँ। महालक्ष्मी, तो भाई साहब मेरे को पता चल चुका है यहाँ पे महालक्ष्मी जी की। जगन्नाथ टेम्पल 5-6 मंदिर है, जो कि एक हनुमान मंदिर है, एक शिव मंदिर है, एक गणेश मंदिर है, एक नवग्रह मंदिर, दुर्गा मंदिर और एक सूर्यदेव मंदिर। तो ये 4-5 मंदिर है जो कि, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर ये है भाई, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये मंदिर। मैं निकल चुका हूँ मंदिर के बाहर और फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर। भाई साहब इस मंदिर के बारे में मैं एक चीज़ बताना ही भूल गया। ये मंदिर आप लोग अगर आते हो यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ पे 1 से 4 बजे तक बीच में आना, क्योंकि ये सुबह से ये मंदिर बंद पड़ा होता है। 4 बजे के बीच में आओगे तो यहाँ 4 बजे खुल जाता है ये मंदिर। तो भाई साहब अगर आना रहा होगा तो ये जानकारी लेके ही आना। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर, इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो जगन्नाथ टेम्पल का, तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर न्यू आए तो कर देना सब्सक्राइब। चलेगा इसमें कैसे तरह नेक्स्ट वीडियो पे, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।